सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ पुणे के टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। तो गाइस ये वो कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो और ये पुणे के सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। तो एक एक करके जो है मैं आपको हर कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, जस्ट लाइक वहाँ पे कितना आपको मार्क्स रिक्वायर्ड है, वहाँ का कट ऑफ क्या है, वहाँ का फीस क्या है और वहाँ पे आपको कौन कौन सी कंपनीज आपको जो है जॉब देंगी। तो ये सब चीज़ें आपको जो है मैं विद प्रूफ बताऊंगा, यानी कि हम इन जो भी कॉलेजेस हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाएंगे और वहाँ का जो इनका इंफॉर्मेशन है हम उसको रेफर करेंगे, ना कि कोई अदर वेबसाइट के सोर्स से मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूँगा। तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो ताकि आपको सब कुछ जो है इंफॉर्मेशन जानने को समझने को मिले। सो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। तो गाइस जो टूर टू टेक और हमारी जो टीम है हम सभी ने एक इनिशिएटिव लिया है। तो इस इनिशिएटिव में ये है कि भाई जो DSE डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग के जो एडमिशन फॉर्म्स होंगे जो कि भाई जल्दी स्टार्ट होने वाले, तो हम स्टूडेंट्स की जो है हेल्प करेंगे उनके एडमिशन फॉर्म फिल करने में, यानी कि हम पर्सनली लाइव जो है स्टूडेंट्स के एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, हम उन्हें जो है स्टूडेंट्स को कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर स्टूडेंट को जो है हम 30 to 45 minutes का टाइम देंगे और वो हम से जो है सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कौन से एडमिशन्स हमें मिल सकते हैं, हमारी पर्टिकुलर परसेंटेज है तो मुझे कौन से कॉलेजेस जो है ऑप्शन फॉर्म में डालने चाहिए और मुझे चांसेस हैं कि इस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाए। अगर मैं डिफेंस कैटेगरी से आता हूँ, मुझे TFWS में एडमिशन चाहिए या मुझे SC ST NT इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ या मैं पुणे में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो मुझे कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लेनी चाहिए मेरे पर्टिकुलर परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो ऐसे आपके जो ढेर सारे जो क्वेश्चन हैं हम उसका आंसर जो है आपको देंगे, क्योंकि हमारा वर्क ये होगा कि भाई हम आपको 30 to 45 minutes के अंदर आपके जो क्वेरीज हैं डाउट्स हैं उसे सॉल्व कर पाएं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि हम ये दोनों ही आपके लिए कर देंगे, हम आपका एडमिशन फॉर्म भी फिल कर देंगे, आपको ये सारे जो आपके डाउट्स हैं ये भी सॉल्व कर देंगे। तो गाइस अगर आप चाहते हो हमारी इन सर्विसेज का यूज़ करना तो नीचे जो है हमने जो है गूगल फॉर्म के लिंक दिए, वहाँ पर जाके आपको जस्ट सिंपल वो फॉर्म फिल करना है। तो वहाँ पर आपको आपका नाम डालना है, आपकी ब्रांच डालनी है, सर्विस चूज़ करनी है, फिर उसके बाद में आपको जो है ब्रांच चूज़ करनी है, आपके परसेंटेज की रेंज आपको चूज़ करनी है और आपको आपका स्टेट का नाम डालना है, जस्ट लाइक पुणे में एडमिशन लेना है, मुंबई में एडमिशन लेना है, तो जस्ट लाइक ये फॉर्म फिल आपको कर देना है और फिर हमारी जो टू टू टेक की टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी फॉर फर्दर एडमिशन प्रोसेस के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जो है नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये जो है ये फर्स्ट 700 स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगा और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही जो है पूरा वर्क होने वाला है। तो गाइस अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो फिफ्थ पोजीशन पे जो टॉप कॉलेज आती है वो है PCCOE पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये कॉलेज लोकेटेड है पिंपरी चिंचवड़ आकुरडी में। तो अगर इस कॉलेज की मैं ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो ये है PCCOEPune.com। तो इस वेबसाइट के ऊपर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाएगी, वहीं का फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो कॉलेज है ये अप्रूव्ड है AICTE से, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। दूसरी ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो परमानेंटली अफिलेटेड है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को। तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग भाई नैक जो है हर कॉलेज को एक ग्रेड देता है, तो यहाँ पर जो PCCOE को जो ग्रेड मिला है नैक की तरफ से वो है A ग्रेड। तो ये तीन चीज़ें हमें क्लियर कर लेनी चाहिए कि भाई हर कॉलेज जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो वो AICTE अप्रूव्ड है या नहीं, दूसरी नैक ने उसे कौन सा ग्रेड दिया है, वो तीसरी कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है या नॉन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है और वो किस यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारी तीनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि भाई ये AICTE अप्रूव्ड कॉलेज है और ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो परमानेंटली अफिलेटेड है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इसका जो नेक का जो ग्रेड है वो है A ग्रेड। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडमिशंस के बारे में। तो यहाँ पे आप देखो कि एडमिशंस पे आप क्लिक कर लो तो यहाँ पर ये बताते हैं कि भाई जो ये कोर्सेस ऑफर करते हैं या इन शॉर्ट जो ब्रांचेस ये ऑफर करते हैं वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। यानी कि PCCOE जो है 5 ब्रांचेस जो है टोटल ऑफर करता है। जाते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो भाई PCCOE की जो फीस स्ट्रक्चर है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए
ओपन कास्ट में अगर आप आते हो तो जो टोटल फीस आपको पे करनी पड़ती है वो है 1,28,821 रुपीज अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो तो, और अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो तो आपको फी पे करनी पड़ेगी 1,29,312 रुपीज। अगर आप आ जाते हो ओबीसी, ईबीसी, एसईबीसी और ईडब्ल्यूएस से तो आपकी जो टोटल फीस होती है महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए वो है 73,355 रुपीज, और आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट को जो है इस कास्ट के अंदर या इस कैटेगरी के अंदर जो है आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स को जो है डायरेक्ट ओपन में ही एडमिशन मिलता है। फिर बात कर लेते हैं एससी कास्ट के लिए, तो अगर आप एससी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपकी जो टोटल फीस होती है वो होती है 3,812 रुपीज। फिर बात करते हैं एसबीसी, एनटी, एसटी और टीएफडब्ल्यूएस, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो इन कास्ट से बिलोंग करते हैं या टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनकी जो फीस होगी वो होगी 17,898 रुपीज। फिर उसके बाद आ जाते हैं जे एंड के यानी जम्मू एंड कश्मीर, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फीस होगी वो होगी 28,312 रुपीज। तो आपको जो है ये फी स्ट्रक्चर देख लेना है कि भाई आप किस कास्ट में आते हो, ओपन में आते हो, एससी, एनटी, एसटी, टीएफडब्ल्यूएस जो भी, तो आपको जो ये कास्ट देख लेनी है कि भाई आपके कास्ट के हिसाब से जो है फिर इस कॉलेज में उतनी अमाउंट, उतनी फीस आपसे चार्ज की जाएगी। अब हमने फीस देख ली, अब हम इस कॉलेज की जो है प्लेसमेंट देख लेते हैं कि भाई इस कॉलेज का जो प्लेसमेंट है यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी आपको रिक्रूट करेंगी। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्यू ऑफ आवर रिक्रूटर्स, तो यहाँ पे IBM, विप्रो, टाटा मोटर्स, इंफोसिस, तो ये ऐसी चार कंपनीज हैं जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स को हायर करती हैं, और इनका जो प्लेसमेंट है, इनका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो आप जो इनके प्लेसमेंट्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है ये आप कैंपस प्लेसमेंट पे क्लिक कर लो, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देखने मिल जाती है। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, तो गाइस जो कट ऑफ होता है ये डिफरेंट ब्रांचेस के लिए डिफरेंट होता है, लेकिन अगर मैं आपको एवरेज बताऊँ तो आपको मिनिमम 90% चाहिए होते हैं कोई भी ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए। अब ये जो कट ऑफ है ये डिपेंड करता है कास्ट टू कास्ट, अगर आप ओपन के लिए जाते हो तो आपको अबाउ 92% 93% लाना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बताता हूँ, पिछले साल का कट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो ये था 92.42% ओपन के लिए, एससी के लिए था 90.24%, एसटी कास्ट के लिए था 77.56%, फिर एनटीए के लिए था 90.67%, ओबीसी के लिए था 91.64%। तो इस तरीके से जो है ये सिविल इंजीनियर का कट ऑफ था। फिर बात कर लेते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पर जो ओपन के लिए कट ऑफ था वो था 90.18%, एससी के लिए था 86.38%। तो यार ये जो कट ऑफ है ये आप देख सकते हो कट ऑफ लिस्ट के अंदर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर जो है कट ऑफ डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको जो है पूरे प्रीवियस ईयर के कट ऑफ मिल जाएंगे, और इस बार आप उसमें 1 या 2% जो है कट ऑफ एडिशनल ऐड करके ही चलना, क्योंकि इस बार MSBT ने बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स दिए हैं तो थोड़ा कॉम्पिटिशन जो है लिटिल बिट टफ हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको बता दो कि भाई जो PCCU ये दो शिफ्ट में जो है स्टूडेंट्स को एडमिशन देती है, तो आप दोनों शिफ्ट में अप्लाई कर सकते हो या एक शिफ्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपको डिग्री मिलती है वो है BTech की, ना कि BE की, क्योंकि ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। तो गाइस ये हो गया ओवरऑल PCCU के बारे में। गाइस अब हम बात करते हैं पुणे के फोर्थ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, तो ये कॉलेज है PICT, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो गाइस ये जो कॉलेज है ये अफिलेटेड है SPPU से, अप्रूव्ड है AICT द्वारा। सो गाइस PICT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है PICT.edu, तो यहाँ पर आप विजिट करोगे तो यहाँ पर आप आ जाते हो PICT की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है एडमिशन के ऊपर, और यहाँ पर आप देखोगे कट ऑफ SC डायरेक्ट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो हमें डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियर का कट ऑफ देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई जो ब्रांचेस ये ऑफर करते हैं वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, ENTC, तो सिर्फ तीन ही ब्रांचेज जो है PICT ऑफर करता है। और यहाँ पर जो आपको देखने मिल जाता है जो कट ऑफ है डिप्लोमा के जो परसेंटेज थे 2019-20 के लिए रिक्वायर्ड कंप्यूटर इंजीनियरिंग फर्स्ट शिफ्ट के लिए वो थे 94.13,
फिर कंप्यूटर इंजीनियर फर्स्ट शिफ्ट EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अगर आप उस कैटेगरी से आते हो तो आपके लिए जो परसेंटेज थे वो थे 92.95% और सेकंड शिफ्ट कंप्यूटर इंजीनियर के लिए 93.15% थे और कंप्यूटर इंजीनियर सेकंड शिफ्ट EWS के लिए 92.94% थे। फिर बात करूँ IT की तो IT में कोई शिफ्ट नहीं इनके पास, तो IT के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो 92.79% कम से कम होनी चाहिए। ये जो कट ऑफ है ये पिछले साल का है, तो इस साल आप इसमें एक ज़्यादा इंक्रीज करके हुए चलो। फिर बात करते हैं IT EWS के बारे में, तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो है 92.20। फिर बात करते हैं ENTC फर्स्ट शिफ्ट तो 92.6%, ENTC फर्स्ट शिफ्ट EWS 92.50, ENTC सेकंड शिफ्ट 91.13 और ENTC सेकंड शिफ्ट EWS 90.94। तो ये जो है कट ऑफ था पिछले ईयर का 2019-20 का, और इसके नीचे आपको 80-90 का भी कट ऑफ देखने मिल जाता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि भाई अब आपको जो है आपके परसेंटेज के हिसाब से जो है ये कॉलेज चूज़ करनी है, और आपकी क्या ब्रांच कंप्यूटर है, ENTC, IT, अगर इन तीनों में से कोई ब्रांच है तो आपको ये कॉलेज लेनी चाहिए, और आपके परसेंटेज अगर मोर देन 95 है तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अगर आप ओपन में आते हो, SC में आते हो, ST में आते हो, तो भी आपके कम से कम 90 तो परसेंटेज बननी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे हमने इसका देख लिया कट ऑफ लिस्ट, अब हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है कि भाई ट्यूशन फीस जो इनकी है वो है 85,627 और डेवलपमेंट फीस 10,873, तो जो टोटल फीस होती है वो है 96,500 रुपीस। मतलब एक साल का अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है वो 96,500 का है। तो आप अंदाज लगा कि चलिए कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर जब आप यहाँ पे एडमिशन लोगे तो वो नियर बाय आपको 80,000-90,000 के आसपास होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का फी स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो इन्होंने बताया है। तो गाइस ये हो गया इनका फी स्ट्रक्चर के बारे में। फिर हम देख लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लेसमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर आप नीचे आओगे तो ये बताते हैं कि भाई एकेडमी के 2019-20 में जो है 82.40 स्टूडेंट जो है इनके प्लेस हुए थे। तो यहाँ पर जो इनके पास रिपोर्ट है कि भाई कौन कौन से स्टूडेंट्स कौन कौन सी कंपनी में ज्वाइन हुए थे, तो यहाँ पर आप क्लिक कर लो 1920, तो ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी, PDF फाइल है। तो यहाँ पर इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो भाई अलग अलग कंपनी जो यहाँ पे आई थी, ACI वर्ल्ड वाइड, सीमेंस, फिर जेंसर, तो अलग अलग जो कंपनीज हैं, TCS डिजिटल, तो ये ऐसे अलग अलग कंपनीज हैं जो स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। तो यहाँ पे जो सैलरी इनको दी गई थी वो थी 14.30 लाख पर एनम, एक साल का जो ओवरऑल पैकेज जो इन्हें दिया गया था जो स्टूडेंट्स होंगे तो उनको जो है 14.30 लाख पर एनम का पैकेज दिया गया था। विजिट डेट सब कुछ यहाँ पे जो है इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो गाइस यहाँ पर आप चेक कर लो, आपको जो भी आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस ये है PICT का ओवरऑल। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ इस कॉलेज के बारे में, तो ये भी बेहतरीन कॉलेज है। अगर आप यहाँ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हो, IT इंजीनियरिंग करते हो, ENTC, तो आपको जॉब तो 100% मिल जाती है, क्योंकि ओवरऑल ये भी 100% प्लेसमेंट देते हैं और यहाँ पर जो है टॉप कंपनीज आते भी हैं। सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं पूना के टॉप थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। तो ये आती है MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, या कह सकते हो MIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो गाइस MIT की जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जस्ट लाइक आप कह सकते हो कोथरूड में जो है MIT है, लोनी कालभुर में भी जो है MIT है। तो गाइस MIT जो है महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, तो ये अप्रूव्ड है बाय AICT DT दोनों से अप्रूव्ड है, और यहाँ पर जो एडमिशन कोड है वो है 6151। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है MITpune.com, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है और इन डिटेल इंफॉर्मेशन आप इसकी निकाल सकते हो। तो यहां पर जो आपको कोर्सेज जो आपको देखने मिलते हैं तो वो है ऑफ कोर्स ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, तो आपको यहां पे जो डिग्री मिलने वाली है वो है BTech, और जो ब्रांचेस ये ऑफर करते हैं वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, IT इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमोशन इंजीनियरिंग। तो ऐसे करके जो है ये टोटल 10 ब्रांचेस ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है, जो कि नॉर्मली जो कॉलेजेस होते हैं 5-6 ब्रांचेस ऑफर करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है 10 ब्रांचेस मिल जाती हैं, तो आप आपके मनचाहे फील्ड में जो है एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग भी है जो कि बहुत कम कॉलेजेस में होता है।
सो गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो जो जो कंपनीज जो MIT पे आती है, जो स्टूडेंट्स को जो है जॉब ऑफर करती है, वो कंपनीज हैं HP, विप्रो, महिंद्रा, रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, बार्कलेस, एनवीडिया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जो यहाँ पे आती हैं, स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर करती हैं। फोर्ड है, फोर्स है, मर्सिडीज बेंज है। तो आप इनकी जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो गाइज अब यहाँ पर जो है MIT का हम फीस स्ट्रक्चर देख ले, तो यहाँ पे लिखा है एकेडमिक ईयर 2019-20 के लिए, और ये जो फीस है ये पेबल बाय TNB के स्टूडेंट्स के लिए है। तो यार इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट सेकेंड ईयर का यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया है। तो जो ओपन में आते हैं, जो स्टूडेंट्स की ओपन में आते हैं, तो उनकी जो फीस है वो आती है नियर बाय 1,58,715। तो जो कि SC अगर आप डिप्लोमा ये उनके लिए है, तो ऑफ कोर्स आप SC करोगे क्योंकि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाओगे, तो फिर आफ्टर डिप्लोमा आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, तो ये आपकी फ़ीस होगी। तो इस साल अगर आप कंसिडर करें तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर की फ़ीस जो है ओपन के लिए लगभग 1,50,000 के आसपास होगी। फिर उसके बाद कर लेते हैं SC, ST, VJNT, SBC। तो ये जो डिफरेंट कास्ट हैं, तो इनकी जो फीस होगी वो होगी 15,079। तो आप जो है डायरेक्ट सेकेंड के लिए कंसिडर कर लो कि भाई 1,000 रुपये कम होगी, या थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, 15-16 हज़ार रुपये के आसपास। फिर उसके बाद कर लेते हैं OBC के लिए। तो यहाँ पर जो फीस होगी OBC के लिए वो होगी 86,897 रुपीज़। और फिर उसके बाद कर लेते हैं JK, तो यहाँ पर उसकी कोई फीस उन्होंने डिस्प्ले नहीं की है। सेम थिंग TFWS की भी कोई फीस डिस्प्ले नहीं की है, और यहाँ पे PMSS करके जो है डिफरेंट कैटेगरी होगी, तो उसकी जो फीस उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है 15,079 रुपीज़। बट यहाँ पर जो TFWS के एडमिशन्स होते हैं, नॉर्मली उसकी जो फीस होती है वो होती है नियर बाय 10 to 15 या मैक्स 20,000 के बीच में। तो गाइस ये था MIT का फीस स्ट्रक्चर। तो हमने उनकी प्लेसमेंट देख ली, फीस स्ट्रक्चर देख लिया। तो MIT का अगर मैं कट ऑफ लिस्ट की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको जो कट ऑफ रिक्वायर्ड होता है वो होता है कम से कम आपके 92%, 93% या 95% होने चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ 92, 93, 95, डिपेंड अपॉन ब्रांच, क्योंकि ये ऑटोनोमस है और यहाँ पर आपके जो परसेंटेज ये बहुत मैटर करते हैं। तो यार यहाँ पर ये हो गए इनके परसेंटेज के बारे में, कौन सी ब्रांच ऑफर करती है ये हो गया, और इनका फीस स्ट्रक्चर क्या था और कट ऑफ लिस्ट क्या था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, जो कि हमारे लिस्ट में सेकेंड पोजीशन पे आती है, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो गाइस इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है www.vit.edu। तो ये जो है VIT की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर जो कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट के लिए जो ऑफर्ड होते हैं वो होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, IT इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो ये वेरियस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जो VIT जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। तो और एक इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं कि भाई VIT ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, यानी कि यहाँ पे आपको BTech की डिग्री मिलने वाली है, और ये अफिलेटेड है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो यार जो VIT यहाँ पे जो मेजर कंपनीज जो हमेशा स्टूडेंट्स को जो है रिक्रूट करती हैं, तो वो कंपनीज हैं यहाँ पे, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, L&T इन्फोटेक, फिर यहाँ पे टाटा मोटर्स, TCS, लॉरल, फिर यहाँ पे आपको IBM देखने मिल जाती है, GS लैब्स देखने मिल जाती है, फिर पटानी कंप्यूटर्स, वॉल्सवैगन, JF इंडिया, जेंसर। तो ऐसे जो पॉपुलर कंपनीज हैं वो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है, और यहाँ का जो प्लेसमेंट है वो 100% प्लेसमेंट कहा जाता है। तो ये होगी प्लेसमेंट की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे फीस स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड ईयर डायरेक्ट एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021। तो यहाँ पे आप देख लो कि भाई जो ओपन कास्ट में आते हैं, तो उनकी जो टोटल फीस होगी वो होगी 1,79,895। फिर उसके बाद जो VJDT, NT, SBC इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी टोटल फीस होगी 27,721। ST की फीस होगी 4,895, सेम SC के लिए है। OBC, EBC की जो फीस होगी वो होगी 1,03,808 रुपीस। SEBC की जो फीस होगी वो होगी 1,03,808 फीस। और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इस कैटेगरी से जो आते हैं, उनकी जो फीस होगी 1,03,808 रुपीस टोटल फीस होगी। तो ये है इनका फीस स्ट्रक्चर फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021।
तो यार अगर VIT के कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ है ये डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच। यहाँ पे आपको मिनिमम जो है 90% आपको कम से कम होने चाहिए। मैं एग्रीगेट परसेंट की बात कर रहा हूँ डिप्लोमा की, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। 95, 96, 94 अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से ये मिनिमम कट ऑफ VIT का है। तो अब हम बात कर लेते हैं भाई पुणे के टॉप फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। अस वी ऑल नो इट्स नॉन अदर देन COEP, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। तो इस COEP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.coep.org.in। तो यहाँ पे अब हम इसके एक एक करके जो है सारी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि भाई ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है और ये भी AICTE अप्रूव्ड है। अब यहाँ पे अगर हम एडमिशंस की बात करें तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो डायरेक्ट सेकेंड ईयर BTEC प्रोग्राम, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप को जो है सारे इंफॉर्मेशन ये बता देता है कि वे किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस हमारा होता है। तो यहाँ पे भी आपको जो है कैप के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि भाई जो फी स्ट्रक्चर है या इसका हम डिपार्टमेंट पहले देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आपको मिल जाते हैं वो है अप्लाइड साइंस, BHAU, सिविल, कंप्यूटर एंड IT, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, मेटलॉजी एंड मटेरियल साइंस, फिजिक्स, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो COEP में। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई जो फीस स्ट्रक्चर है COEP का वो क्या है, कितनी फीस आपसे जो है COEP चार्ज करेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये बताते हैं कि भाई फी स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड ईयर BTEC रेगुलर। यहाँ पे इन्होंने अभी तक जो है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का जो है फी स्ट्रक्चर इन्होंने डिस्प्ले नहीं किया है, लेकिन सेकेंड ईयर BTEC रेगुलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जो यहाँ पे आपको टोटल फी पे करनी पड़ेगी वो होगी 84,500। अगर आप TFWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको पे करना होगा 69,500 रुपीज़। अगर आप SC ST इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको फ़ी पे करनी होगी 3,650। अगर आप बिलोंग करते हो OBC, SBC, VJNT इस कैटेगरी से तो आपको जो फ़ी पे करनी होगी वो होगी 43,500 रुपीज़। अगर आप बिलोंग करते हो EBC, EWS इस तरीके से तो यहाँ पर आपको जो फ़ी पे करनी होगी वो होगी 76,250 रुपीज़। और उसके बाद आ जाता है गल्फ़ कैटेगरी, तो अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको फ़ी पे करनी होगी 84,500 रुपीज़। और बाकी जो अदर, अगर आप जम्मू कश्मीर से आते हो तो यहाँ पर आपको फ़ी पे करनी होगी 27,650। और अगर आप NRI हो, NRI नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, उस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पर जो है आपको 29,650 प्लस $5,000 आपको पे करने होंगे। तो यहाँ पर ये हो गया COEP का फी स्ट्रक्चर। बात करें कि भाई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे तो यहाँ पे कौन सी कंपनीज हैं जो स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं, तो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट ऑफ कंपनीज बता दी हैं जिनके रिक्रूटर्स हैं, जस्ट लाइक आकाश इंस्टीट्यूट, ABB। तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं यहाँ पे उनकी लिस्ट बता दी गई है, जस्ट लाइक बायजूस हो गया, कैपगेमिनी हो गई, फिर उसके बाद में और भी ढेर सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं, जस्ट लाइक इंफोसिस, आयन ग्रुप, स्टडीज बेंच। तो ऐसे करके इन्होंने जो है टोटल जो लिस्ट बताई है उसके अंदर जो है मोर देन 250 प्लस कंपनीज हैं। अगर टोटल बात करूँ जो COEP की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाते हैं तो वो है 264 कंपनीज जो है स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने आ जाती हैं। मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो है स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे देख सकते हो वॉल्वो, वोडाफोन सर्विस, अलग अलग कंपनीज। तो यहाँ पे आपको जो प्लेसमेंट मिलती है वो बहुत अच्छी है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, और यहाँ पे भी आपको 100% प्लेसमेंट मिल जाती है, ऐसे सभी कहते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को 100% जॉब मिल जाती है, और इनका भी जो पैकेजेस होते हैं वो बहुत अच्छे देते हैं स्टूडेंट्स को। ईयरली पैकेज 20 लाख प्लस, 30 लाख प्लस, 10 लाख प्लस ऐसे होता है। तो गाइस ये हो गए इनके प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। हमने डिपार्टमेंट देख लिया, एडमिशन की इनकी फ़ी स्ट्रक्चर देख ली। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई COEP में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके मार्क्स कितने होने चाहिए। तो अगर घुमा फिरा के न जाऊँ तो आपको सीधा सीधे बताऊँ तो आपके मार्क्स अबाउ मोर देन 95% होनी चाहिए। और ये मार्क्स वेराई करते हैं डिपेंड अपॉन ब्रांच। अगर आप कंप्यूटर से हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे देखने मिल जाता है, तो 94.80, 92.90 डिपेंड अपॉन ब्रांच। लाइक सिविल हो, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT के लिए हो तो IT के लिए थोड़ा कम होता है, नॉर्मली 93% होता है एग्रीगेट। तो आपको आपकी जो कॉलेज है वो चूज़ करनी है आपको आपके खुद के परसेंटेज के हिसाब से।
तो गाइस ये थे पूना के सबसे टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस और 2020 के हिसाब से ये था उनका लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और हाँ यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है तो एक लाइक भी ठोक देना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।